इसको क्या बोलते हैं झरोखे को? इस झरोखे को बोलते हैं, जैसे ये नोक की बारी है ये। नहीं, पूरे झरोखे को क्या बोलते हैं? इसको पूरा देख लो आप, ये अलग अलग मित्रों, यह जो हमारे महोदय ये बता रही है एंटिक पीस है, इसको क्या है कि एक बार थोड़ा बहुत ही इसको अच्छी तरह से रखना पड़ता है। आप इसको देखेंगे तो इसके अंदर जो उठाव है वह अपने आप में एक बहुत ही बेजोड़ कलाकृति का अंदाज़ा बता रहा है। इसको कलश और झूमर कह सकते हैं, और यह बहुत ही सुंदर, जैसे हम कह सकते हैं कि सोने का गहना हो, बिल्कुल वैसा यह इसको इन्होंने तैयार किया है। और यह कहते हैं इसको बड़ा सुरक्षित रखना पड़ता है, जो कि जब तक जिसने इसका ऑर्डर दिया है, जिसके यहाँ लगना है, वहाँ तक जब तक ये नहीं पहुँचे तब तक कहते हैं ना इनको बड़ा संभाल के रखना पड़ता है। तो मैं बिल्कुल नज़दीक से आपको इसका नज़ारा करवा रहा हूँ। यह अगर यहाँ से अगर आप देखें तो यही कहेंगे यह किसी महिला के आभूषण है दोस्तों, लेकिन यह है पीले पत्थर की कार्विंग। तो जैसलमेर के अंदर यह बहुत ही सुंदर नक्काशीदार काम होता है। पूर्व में भी मैं कई वीडियो दिखाता रहता हूँ और अभी भी मैंने दिखाया है। यह झरोखे का ऊपर का है और इसी के साथ वह लगता है। और मैंने जैसा बताया, ये झरोखे के ऊपर जो पानी झरोखे के अंदर नहीं आए, तो उसके लिए भी इन्होंने एक बहुत ही नुकीला, यह जो दो आपको किनारे दिख रहे हैं ये दोनों साइड में लगते हैं। जब ये झरोखा तैयार हो जाता है तो इसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते, इतना सुंदर बनता है। जैसलमेर में कई घरों में यह लगते हैं, आज भी लोगों के पास जैसा संपन्नता होती है वैसा काम करवाते हैं। आइए मैं आपको एक और नई डिज़ाइन बताता हूँ। और एक ये नया पीसेस है जो काफ़ी पुराने टाइम में जो होते थे नोक की बारियाँ होती थी, झरोखे होते थे, उनमें से ये बनाया गया है। और आज भी वही चीज़ वापस चली जा रही है, तो आज एक नई डिज़ाइन वापस बनाई है, आइए दिखाता हूँ। ये नोक की बारी होती है जिसमें ये लगाया जाता है ऊपर, और उसके ऊपर फिर नोखे लगाई जाती है और नीचे घोखड़े लगते हैं बैठने के लिए, जिसमें ये अदर ये जो सीताफल जैसी डिज़ाइन की, ये सीताफल है, इसको ये सीताफल का रूप दिया गया तो इसको सीताफल बोलते हैं। और ये मारवाड़ी है जिसमें ऐसे साइड में ऐसे दिया गया है, और इसमें ये हम बनाते हैं ये सब डिज़ाइन वगैरह, और इसको फुलड़ियाँ बोलते हैं, अगर यहाँ की भाषा में बोला जाए तो लटियाँ बोली जाती इनको। तो ये नोक की बारी जो है उनके ऊपर लगता है ये वो पीस। हाँ, झरोखा है। इसको मतलब जैसे इसमें दो छोटी छोटी नोक की बारी, तीन नोक की बारियां हैं जिसमें दो छोटी है और एक बड़ी है, ऊपर आर्च टाइप ये मरगोल बनी हुई, जो आर्चेस में बनी हुई है, फिर इसके ऊपर ये मरगोल बनी हुई है जो नोक कभी आपको बताई थी, वो नोक बनी हुई है इसके ऊपर, उसमें सीताफल वगैरह है जो आपको अभी बताया गया था कि वो ये मोर है, और ये हमने बनाया है पत्थर के अंदर, इसमें बीच में फूल दिया गया है और साइड में बॉर्डर में ये पट्टियाँ दी गई है।